चेक दे दीजिए सर, अगर आप इंस्टॉलमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप पोस्ट डेटेड पूरा चेक बना के दे दीजिए सर, आउटस्टैंडिंग जो भी कैश ऑन डेट बैलेंस बचा हुआ है। तो चेक बना के क्या फायदा जब उसमें अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे? तो सर वो आप कह रहे ना, पैसे हो या ना हो आप अब तक उसी तो ये हेडेक तो बैंक को लोन देते ये हेडेक बैंक को लोन देते वक्त समझ नहीं आई थी कि क्या कि हम दे रहे हैं, किस किस बेसिस पे दे रहे हैं, या रिस्क है क्या, है क्या नहीं है? क्या ये हेडेक बैंक को लोन देते वक्त समझ नहीं आया था क्या? अच्छा, लोन लेते समय तो यूज क्यों किया? अगर आपने लोन लिया तो आपने यूज क्यों किया? अरे मत सर, यूज करते ना, वापस कर देते। आप अकाउंट में फंड किया था ना, तो आप एक भी अमाउंट ना यूज करके आप यूज कर देते हो, वो रिफंड कर देते तो पता रहता, हाँ चलो गिरी जी आओ, पैसा नहीं लिए, बैंक को वापस कर दिए। अरे सर, ये जो हाँ जब इतनी ईएमआई गई, 2015 से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, सारी पेमेंट हाँ ऑन टाइम यूज कर हाँ रहा हूँ, आप लोगों हाँ को मैंने मेल भी डाला HDFC हाँ बैंक को कई बार, हाँ हाँ तो ये क्या आदमी के जो ट्रांजेक्शन का बिहेवियर देख के आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कि जो सर आदमी ट्रांजेक्शन का 2015 प्रीवियस से बिहेवियर नहीं, ट्रांजेक्शन का बिहेवियर पुराना देख के नहीं होता सर, बैंक अपना करंट देखता है सर, प्रीवियस नहीं देखता, करंट स्टेटस देखता है सर। करंट आप क्या कर रहे हो सर, हाँ, आपने तो जनवरी नहीं मंथ का आप होल्ड कर आप रखा है। अरे हाँ सुनिए, आप ये कह रहे हो कि आपने पेमेंट क्यों यूज नहीं, किया क्यों? आपने मंडे के लिए बोल रखा था ना, अरे पेमेंट हो सुन, जाएगा ना मेरी बात तो इंस्टॉलमेंट सुनिए एक। सर, हाँ जब 2015 से मैं पैसे देता आ रहा हूँ, ऑन अरे सर टाइम देता आ रहा हूँ। 2015 से नहीं, 2020 क्या कहते हैं, 2010 से दे रहे हो, उससे नहीं होता सर कुछ। करंट का देखा जाता है, आपका लोन का अगर इंस्टॉलमेंट अरे अगर नहीं चल रहा है मैं तो बैंक आपकी आपका पूरा सुनिए, इंस्टॉलमेंट। पहले मैं हाँ आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आगे की बातें हाँ बाद में करूंगा। आप हाँ कह रहे हो कि क्यों यूज किया? अरे हाँ जब पहले यूज किया तो भरा ना सर, मैंने कैपेबिलिटी थी ना तो भर रहा था ना, 6 साल से। नहीं कैपेबिलिटी थी एक नहीं पहले तो मेरी आप पहले ठीक है, लेट मत मी करो फिनिश सर, मत करो। लेट मी फिनिश, हाँ मेरे को फिनिश करने दो, उसके बाद आप बोलना, मैं फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप हाँ बोलना मैं चुप रहूंगा। आप लोग मेरे को पता है कि आप अपने बैंक की ड्यूटी कर रहे हो, आपको काम है रिकवरी करने का, मैं सब समझ रहा हूँ सर। आप अपनी ड्यूटी कर हाँ रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, मेरे साथ क्या सीन है सर? आप दिमाग से समझिए, आप कितना भी खोज लीजिए कस्टमर को सर, कितना भी कर लीजिए, जब एक बात बताइए, जब पैर कबर में गड़ गए हों तो इंसान अपने आप को बचानेगा कि पहले आपको सारा कर्जा अपने गला काट के पहले आपको खून पिलाएगा, नहीं ये तो बताओ। आपका आपका इंटेंशन है जनवरी मंथ का पेमेंट आप होल्ड करना चाहते हो, फरवरी में नहीं देना चाहते हो, यही इंटेंशन आप अभी पूरे महीने तक झलक रही है सर आपके बातों से, समझ मैं रहे सुनिए हो? सर, होल्ड नहीं करना चाहता हूँ मैं, अभी आपको बोलो तो मेल फॉरवर्ड करता हूँ मैं। मैंने HDFC बैंक को मेल लिखा, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा सिनारी हो गया है, मैंने मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा था, आज से कभी भी कोई मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी कुछ अगर हेल्प कर सकते हो तो मुझे टाइम दीजिए। मैंने ये नहीं बोला कि मैं पे नहीं नहीं टाइम करूंगा। कितना दे, नहीं ये बताइए, 6 फरवरी ड्यू डेट थी, आज तो 23 तारीख हो गई, कितना टाइम दे आपको, 2 महीने के दे, 4 महीने के दे, 6 महीने के दे, 1 साल का दे, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको टाइम दिया जा सकता है ना? ऐसा तो है ना कि आप तो आप जो सर फरवरी में तो करनी आप हो आप सुनिए सुनिए मार्च सुनिए में ले जाओगे, अप्रैल में ले जाओगे सर। अरे मेरे ब्रदर, हाँ आप ये बता दीजिए ना, इसका रिजल्ट क्या निकले अभी ये बता दो। आप लोग आओ, रिजल्ट क्या? बैठो, सुनो, हाँ आप लोग मेरे हाँ आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं, आके करो, आओ मेरे को, मेरे यहाँ से क्या पैसा ले लोगे क्या? जो मेरे पास होगा नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा, ये नहीं तो बताओ। सर आप उनको चेक बना के दे देना, अपना क्रेडिट किस कार्ड बेसिस पैन पे कार्ड की चेक फोटो दूँ? कॉपी आप रिटर्न में लिख के दे दो, अरे हमें किस आगे बेसिस कोई पर, रिलेशन नहीं रखना सर, किस कोई रिलेशन बेसिस, नहीं अरे रखना। कैसी बात कर रहे हो सर, यहाँ पर आप चेक ऐसी बांट देते क्या किसी को भी? नहीं आप वो लिख कर दे दो ना, नोटिफाई कर दो, हमें आगे रिलेशन नहीं रखना है मैंने मेल लिख तो दिया सर कि मैंने आ गया, अभी मेरे को सर। प्रॉब्लम मेल चल कर रही है। दिया, इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, अगर इंस्टॉलमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो बैंक पूरा अथॉराइज होता है कि इंस्टॉलमेंट कैंसिल करके पूरा आपका लोन ले सकता है सर बैंक। तो सर वो अपनी प्रोसेस करो ना, मैंने कहाँ रोका हुआ आप लोगों को रोकने के लिए? हाँ, पूरा प्रोसेस इंस्टॉलमेंट कैंसिल करके पूरा वन शॉट में क्लियर कर सकता है। आपकी एक इंस्टॉलमेंट है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपने कल की डेट में वो बैंक है कमिटमेंट भी किया था शायद, आप करा दोगे, लेकिन ना तो पेमेंट आई ना तो आपको तो पॉजिटिव सर रिस्पॉन्स कर रहे हो सर। मैं भी तो उसी बेसिस पे लगा पड़ा हूँ ना, जो मेरे को आगे से नहीं अरेंज हो पा क्या रहा, तो लगे मैं पड़े हो सर, आप बताओ सर, ये छोटा महीना आज 23 तारीख हो गया, 2 दिन बाद बैंक की क्लोजिंग है, आप लगे पड़े हो, तो इसका मतलब पूरे महीने ऐसे लगे पड़े रहो, सर पेमेंट दो होगी हो नहीं। सकता 6 महीने भी हाँ लग जाए, हो सकता है 6 महीने भी अच्छा लग जाए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना कि चीजें अभी मेरे साथ ये सिचुएशन है कि मैं नहीं, अपने घर आपसे में, तो 60,000 या 3 लाख की तो डिमांड नहीं की गई ना स्टार्टिंग से ही, अरे मेरे दर, आपका मेरे एक ब्रदर, इंस्टॉलमेंट आपकी आप जो सुनिए, गई थी पहले वही। मेरी बात सुनिए हाँ सर, वो आप पहले, मैं अपने घर में अपने 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 आप को बचाऊंगा ना, कि मैं कैसे सरवाइव करूं अभी। हाँ लाइन बोलिए। पर रहना,